अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होपफुली यू आर डूइंग वेल। एसके गोट फार्म के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बोर कलेक्शन दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम आसिम भाई। सानियम बकरे देख लिए अभी लास्ट में, देख रहे हैं बोर कलेक्शन। जी भाई, ये बाहर ही करते लेकिन अंधेरा हो गया, इस कारण अंदर बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा वेट गेनिंग पे सारे बोर माशाल्लाह। इससे स्टार्ट करता हूँ बड़े बोर से। क्या डिटेल पे होगा भाई? मेरे ख्याल से 8 दांत है भाई, 6-8 दांत पे। और ये अभी अभी आया अपने पास, मतलब दो महीना हुआ इसको आगे। तो ये वेट पे ही आया था बेसिकली, ज़्यादा वेट पे। तो जिसके पास पल रहा था पर्सनली पल रहा था भाई, वेट पे ही आया था। अपन ने उसको मेंटेन रखे और माशाल्लाह थोड़ा बहुत प्लस भी है अपने पास। क्या बात है। और जिनके पास था ना वहाँ पे, वो दूध दिन का 1.5-2 लीटर दूध पिलाते थे इसको। अपन दूध नहीं पिला रहे, अनाज पत्ती जो अपना डाइट है नॉर्मल, उसको अपन ने फ्रेम वगैरह बहुत उमदा बनाया माशाल्लाह भाई। और फिटिंग पैर देखें आप माशाल्लाह, कोट देखें आगे का बहुत ही उम्दा क्वालिटी। बॉम्बे वाले अंजला भाई उनके बोर है, उनको बोर का बहुत शौक है। एक बोर है वो ब्लैक वाला बोर उनका है, वो ब्राउन वाला बोर उनका है। सही, तो ये सब पलाई पे अपने पास है। जी भाई ठीक है। ये वाला बोर भाई है, वो बोर है, बाकी वो नीचे वाले बोर सब अपने पास है। कौन सा वो माचा है? हाँ वो माचा भाई में खड़े ले, तो वो भी बोर है। तुम भी बोर जैसे लग रहे हो भाई, उसके पास आना ब्लैक बोर। जी भाई ये देखिए फुल बालाजी पैच में, ये अपने परवेज भाई का बोर है भाई। बहुत उम्र एक बोर देखिए उनका, ये एक बोर है वो वाला, एक परवेज भाई का बोर। क्या बात है, फ्रेम देखो बकरों की माशाल्लाह, फुल तैयारी पे। वो अपने लॉट का बच्चा है भाई, वो जो लॉट लाए थे ना आपने वीडियो, मुझे बता रहे थे भाई, हम लोग ने इसका वीडियो बनाया था। अभी 4 दांत पे रहेगा मेरे ख्याल से, वेट बहुत कम है उसका भी। कम है कितना है? 85 बहुत ज़्यादा कम है भाई। अपने जो लेके आए थे ना छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे बेचने, उसमें का लौट के वो वहाँ पर एक देखे, वो देखे। सही, ये वाला, ये अपने फैजान भाई द द बगमैन भाई, एक एक बकरा चूज करके निकालते हैं। अरे भाई पागल बकरा है ये, इसमें कैसा कैसा बांध के रखे अपने, देखो खुल जाता है और टूट जाता है। ये काला हिड़ी है, बोर को भी केजेस में रख रहे हैं हम लोग ना। हाँ बोर को भी केजेस में रख रहे हैं। क्या वेट तक जाने की उम्मीद है हाईएस्ट इनकी? भाई 8 दांत तक अगर रहेंगे तो भाई इंशाल्लाह जाएगा 120 किलो, 125 किलो जाएगा। बहुत उम्दा। और दांतों में भी अभी सब नए बच्चे हैं, 4 दांत 6 दांत। फिटिंग देखो आप, ये वाला है ना, ये बहुत यूनिक में आ गया था भाई। किसका है? परवेज भाई का? नहीं परवेज भाई का नहीं, अंजला भाई का। अंजला भाई वाले जिनके वो सानिन वानिन दिखाए ना, मैंने तो शायद फुल ब्लैक पहली बार देखा। बहुत रह रहे हो, बहुत प्यारा बच्चा। क्या चेहरा है, क्या फिगर है माशाल्लाह। बोर भी एग्रेसिव है यहाँ पर। बोर भी सारे के सारे एग्रेसिव है। हाँ भाई फिटिंग वाइज इनको सेम फिटिंग चल रही है कि अलग रहती है भाई? नहीं नहीं सेम फिटिंग ही आती है भाई, सब साले बोर सबको सेम फिटिंग है। जैसे कि लोग है ना कमेंट काफ़ी करेंगे आपकी तैयारी देख के पूरी सीरीज में कि इनकी फिटिंग का वीडियो बनाओ, फिटिंग का बनाओ। एक नॉर्मल आप लाइक फीडिंग के बारे में थोड़ा बता सकते हैं लोगों को? भाई फीडिंग में ऐसा है कि हम लोग ना इन लोगों को सुबह में हरी पत्ती देते, फिर तुअर भूसी देते, उसके बाद जो पानी वानी चलता है हम सुबह के टाइम पे मेंढों को चुनी होनी जाती है, फिर शाम के टाइम पे अनाज देते मक्का और गेहूँ। सही है। उसके बाद हरी पत्ती तुअर भूसी, फिर पत्ते आते हैं इनके लिए, पत्ते गुल्लर के यहाँ पे बहुत झाड़े गुल्लर के, गुल्लर के पत्ते हो गए। और खेत लगाया हूँ मैंने, वहाँ पे घास निकाल के लेके आते, बरसीम की और वो सब मक्की की घास सब मैंने खेत लगा के रखा। सही है। तो ये पूरा फीडिंग सिस्टम है। आप इनको सप्लीमेंट्स में कैल्शियम टॉनिक और जिसको एक्स्ट्रा स्कूल मेरे को था देने का, ऐसा लगता है कि भाई कोई बकरा इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर लग रही है, थोड़ा सुस्त है, तो उसको मैं अपने तरफ से दे देता हूँ। और ज़्यादातर भाई लोग ने तो जैसा फैजान भाई है वो उनके कुछ बड़े बड़े बकरे उनको कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो वो मेरे को पे करते हैं उस चीज़ का। अच्छा। कि ये बकरे को मेरे रेगुलर ये चीज़ पिलाओ, तो मतलब वो बताता भी मैं हूँ कि भाई ये चीज़ इसको पिलाने की ज़रूरत है, अपन इसको पिलाते हर 1.5 महीने में 2 महीने में हम लोग 2-3 सप्लीमेंट है मेरे को मालूम है जो इनको देना चाहिए जी। वो मैं उनको बताता हूँ, जो भी MRP है बिल बेच के मैं
वो मेरे को पे कर देते वही अमाउंट। ऐसा नहीं कि भाई ये पल आइए मेरे को तुम 2000 को ऊपर दो, 5000 दो, इसको अलग तैयारी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो पिलाता हूँ बता देता हूँ कि भाई इतना 700, 800, 1000, 1200 का जो भी चीज़ है भाई उतना ही पैसा दो, हमारे जो लड़के हैं स्टाफ हमारे जो पिला देते हैं सही, और सबकी अलग अलग बॉटल है भाई बता देता हूँ एकदम। ओवरऑल सीरीज़ देखने से हम लोग को तो यही लगा कि आपके अंदर ये बिजनेस बाद में आपके लिए, पहले तो एक बहुत प्योर शौक है आपका भाई, शौक ही है, मैं बिजनेस के हिसाब से तो अभी तक किया नहीं उसको जी, इसके लिए ये बहुत सक्सेसफुली हो भी रहा है। आपको सिर्फ खाउटी से मतलब नहीं है, बकरा बनना चाहिए। खाउटी से मतलब होता तो भाई बहुत लोग मेरे को बकरे भेजते हैं, बच्चे ले लो ये ले लो, मैं नहीं लेता हूँ भाई जी, जो मेरे को मालूम है बच्चे इनके बीच में सर्वाइव नहीं करते, ये बड़े बकरे सब, छोटे बच्चे ना भाई फार्म में आते तो भी बहुत सारे जानवर है, किसी को कभी सर्दी हो जाए, इन लोग में वायरल बहुत होता है, छोटे बच्चे को मतलब मैं इतने बड़े बच्चे लेता हूँ जिसको मैं इंजेक्शन मार सकूँ, बहुत छोटे बच्चे रहते ना भाई उनको इंजेक्शन भी नहीं मार सकते जल्दी, तो इसके लिए मैं थोड़ा छोटे बच्चे अवॉइड ही करता हूँ भाई। आपने फार्म पे पैदा हुए बच्चे आसिम भाई तो 20-25 बच्चे है, वो अपन ने उनकी बकरियों की और बच्चों की वीडियो नहीं बताई जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा अपना वीडियो बनेगा तो मैं आपको वो ब्रीडिंग सेटअप, रमजान बाद एक और सीरीज बनेगी जिसमें लोगों को इसके चेंजेस भी देखने मिलेंगे और इनके बच्चे भी देखने मिलेंगे, और हम सेम कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को एक चेंजेस देखने मिले। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए, बहुत मज़ा आ गया, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग की मेहनत भी बहुत रही आज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।